हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बिल्कुल हलवा स्टाइल मिक्स वेजिटेबल बनाने वाले हैं। ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहती है, तो देखिए यही वो मिक्स वेजिटेबल है जो आज हमने बनाया। तो आप भी इसको बिल्कुल इजीली अपने घर पे बना सकते हो। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए इसका टेक्स्चर, देखिए इसका कलर देखिए, और आप इसको रोटी नान या चावल के साथ बिल्कुल ईजिली खा सकते हो फ्रेंड्स। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिए शिमला मिर्च, गोभी, बीन्स, गाजर और करेला। तो आपके पास जो भी वेज अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसी के पश्चात हमने चॉप प्याज और चॉप टोमेटो लिया, और हमने काजू को बिल्कुल 15 मिनट तक अच्छी तरीके से भिगोने रख दिए थे। उसके बाद हम काजू को अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे बिल्कुल 5 मिनट तक, उसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे हमारा ऑयल बिल्कुल अच्छे से हीट हो चुका है। तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे हमारे वेजिटेबल, और इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो आप इसको बॉईल करके भी बना सकते हो, बट जो हलवाई लोग रहते वो बिल्कुल फ्राई करके बनाते, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए बिल्कुल इसको आपको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको फ्राई कर लेना है। तो आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है आप उसको इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद ये हमारे वेजिटेबल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तो हमारा काजू का भी पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए हम अभी ग्रेवी बनाते हैं। हमें एक नॉनस्टिक पैन लिया, इसके अंदर हमने ऐड किया थोड़ा कुकिंग ऑयल। ऑयल को बिल्कुल अच्छी तरीके से हीट होने देंगे। देखिए जैसे ही हमारा ऑयल बिल्कुल अच्छी तरीके से हीट हो जाए, हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चॉप लहसुन। लहसुन को बिल्कुल अच्छी तरीके से गोल्डन टू ब्राउन होने तक पकने देंगे, ताकि जो उसका टेस्ट है बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाए। देखिए तो हमारे लहसुन बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे थोड़ा मस्टर्ड और थोड़ा जीरा, और इनको बिल्कुल अच्छी तरह से तिड़कने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चॉप प्याज। तो हमने चार प्याज को बिल्कुल अच्छी तरीके से फाइन चॉप कर लिया था, और बिल्कुल प्याज को भी आपको गोल्डन टू ब्राउन होने तक पका लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चॉप ग्रीन चिल्ली। तो आप इसको अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, और इनको बिल्कुल इसी प्रकार से आपको पका लेना है। बिल्कुल 2 मिनट में आपके प्याज और हरी मिर्च बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाएंगी। तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, देखिए, थोड़ी हल्दी पाउडर और थोड़ा नमक। हल्दी पाउडर पहले डालने से हमारी सब्जी में काफी अच्छा कलर आता है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे देगी मिर्च पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसके बाद धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा किचन किंग मसाला, और इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल हमारे मसाले जलना नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चॉप टोमेटो। तो आप चॉप टोमेटो की जगह टोमेटो का पेस्ट भी ले सकते हो, और इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारे टोमेटो है बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे थोड़ा पानी, क्योंकि जो हमारे मसाले रहते हैं फ्रेंड्स वो जलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हम पानी डालने से हमारे मसाले जलते नहीं हैं, और इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और टोमेटो को अच्छी तरीके से गला लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे ग्रेवी में काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। तो इसी प्रकार से आपको टोमेटो को गला लेना है। देखिए देखिए तो ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे हमारे वेजिटेबल। तो हमने इसमें मटर का भी यूज किया, तो हमने फ्रोजन के मटर लिया है, और इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे काजू का पेस्ट, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और बिल्कुल क्रीमी टेस्ट आता है, और बिल्कुल अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से। देखिए काफी अच्छा कलर आ चुका है। तो हमको बिल्कुल इसको 2 मिनट तक ही पकाना है, क्योंकि हमारे वेजिटेबल फ्राई करने से अच्छी तरीके से पक चुके हैं।
गैस को आपको बिल्कुल मीडियम टू लो पे ही रखना है। देखिए देखिए 2 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अमूल बटर। इससे बाकी बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट आता है और बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे देखिए तवा वेजिटेबल बिल्कुल हलवा स्टाइल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम इसको एक डिनर प्लेट में निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे मिक्स वेजिटेबल बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको बिल्कुल इजीली बना सकते हो। देखिए तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन है बिल्कुल आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं हमारे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।